नौकोट वाकया जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। एक लड़की पसंद की शादी करने के लिए लड़के के साथ जाने का अंजाम, जिसका बदला तगड़ी बिरादरी के वेशी नुमा दरिंदों ने पसंद की शादी करने वाली लड़की की दो बहनों को अगवा करके दो दिन तक मजलूम लड़कियों को हवस का निशाना बनाते रहे। बताया जा रहा है कि 20 से 25 दरिंदा नुमा मुजमान इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे, तो उस वक्त न जमी पटी न आसमां चीखा, बस मासूम लड़कियों की चीखें आसमानों तक चीखती रहीं। ऐसा वाकया जिसने इंसानियत का असर शर्म से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, इंसानी हकूक के कारकुन, वकला और कुछ जिम्मेदार शहरी हैदराबाद टंडोला मीरपुर खास से यहाँ जमा हुए हैं। इस लोकल इलाके से भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं। बुनियादी मकसद आने का ये था कि इस वाकये ने न फकत इलाके को काफ़ी खौफ और हरास में डाल दिया है, बल्कि सिंध का एक जो औरत दोस्त और एक रोशन ख्याल तस्वर है, पाकिस्तान का एक जो रोशन ख्याल तस्वर है, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। तो पूरा जो है मुल्क परेशान है, और चूँकि ये थोड़ा रूरल इलाका है तो अभी तक लोग इस परेशानी में हैं कि हमें मालूमात पता चले कि वाकयात हुए क्या हैं, हकायक क्या हैं, क्या मामलात हुए हैं। इसी निस्बत से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का ये और एडवोकेट्स का ये ग्रुप यहाँ पहुँचा है, जिसमें एडवोकेट अली पल साहब। इस वाकये में मुलव्वस दरिंदा नुमा मुलजमानों को ऐसी सजा दी जाए जो दुनिया में इबरत हासिल कर सके, ताकि सिंध की बेटियों की असमतों की हिफाजत हो सके।